थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट के पिछले भाग में हमने डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और इनोवेशंस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम लाभ की दो थ्योरीज और पढ़ेंगे, लाभ का जोखिम सिद्धांत रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट तथा लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ का जोखिम सिद्धांत रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट फॉर क्लास BA1। प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री हाले ने अपनी पुस्तक एंटरप्राइजेज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस में लाभ के जोखिम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य जोखिम उठाना है। एक उद्यमी उत्पादन के अन्य साधनों जैसे पूंजी, श्रम, भूमि को एकत्रित करके उत्पादन करता है। इन साधनों को पहले से तय की गई शर्तों के अनुसार उद्यमी को भुगतान करना पड़ता है। इन साधनों की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उसे बेचने में समय लगता है। वस्तुओं का उत्पादन करने तथा उनकी बिक्री में जो समय का अंतर होता है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आय लागत से कम हो सकती है। इसलिए उद्यमी को हानि उठाने का जोखिम सहन करना पड़ता है। एक उद्यमी जोखिम तभी उठाएगा जब उसके बदले में उसे कोई पुरस्कार दिया जाएगा, यदि पुरस्कार ही लाभ कहलाता है। हॉले के अनुसार एक व्यवसाय का लाभ प्रबंध तथा समन्वय का पुरस्कार नहीं है, यह जोखिम उठाने तथा उत्तरदायित्व का पुरस्कार है। हॉले के अनुसार जोखिम तथा लाभ में आनुपातिक संबंध है। उद्यमी का जोखिम जितना अधिक होगा लाभ उतना ही अधिक होगा, उद्यमी का जोखिम जितना कम होगा लाभ भी उतना कम होगा। हॉले के अनुसार एक उद्यमी को चार प्रकार के जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, जैसे नंबर एक प्रतिस्थानापन का जोखिम रिप्लेसमेंट रिस्क, नंबर दो मुख्य जोखिम रिस्क प्रॉपर, नंबर तीन अनिश्चितता अनसर्टेनिटी, नंबर चार पुराना पड़ जाना ऑब्सोलेंसिस। प्रतिस्थापन को घिसावट भी कहते हैं। इसका अनुमान लगाया जा सकता है या लागत में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इसके बदले में कोई लाभ नहीं मिलता। मशीनों के पुराना पड़ जाने के संबंध में उचित अनुमान लगाना पूरी तरह से संभव नहीं होता, क्योंकि यह ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि तकनीकी उन्नति के कारण मशीनों का बेकार होना पड़ेगा अथवा नहीं होना पड़ेगा। फिर भी इसके खर्च को लागत में शामिल कर लिया जाता है। मुख्य जोखिम इस कारण उत्पन्न होती है क्योंकि वस्तु को उत्पन्न करने तथा उसे बेचने में समय का अंतर होता है, उसमें कई प्रकार के अनिश्चित परिवर्तन आ सकते हैं। इसके फलस्वरूप उद्यमी को हानि भी हो सकती है। लागत में मुख्य जोखिम तथा अनिश्चितता का भाग शामिल नहीं होता। इसके लिए उद्यमी तभी जोखिम सहन करेगा जब उसके बदले में उसे कोई पुरस्कार मिलेगा, यही पुरस्कार ही लाभ कहलाता है। इस प्रकार लाभ के जोखिम सिद्धांत में हॉले ने हमें बताया कि उद्यमी जितना अधिक जोखिम उठाएंगे लाभ की मात्रा भी उतनी अधिक होगी, उद्यमी जितना जोखिम कम उठाएंगे लाभ की मात्रा भी उतनी कम होगी। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। उन्होंने हमें बताया कि उद्यमी का मुख्य कार्य उत्पादन संबंधी अनिश्चितताओं को सहन करना होता है। अनिश्चितताओं को सहन करने के बदले में ही जो प्रतिफल मिलता है उसको लाभ कहा जाता है।
अनिश्चितताओं को सहन करने के अतिरिक्त कोई भी उद्यमी अपने उद्योग अथवा सामान्य व्यवसाय में अन्य कार्य जैसे श्रमिक का कार्य, पूंजीपति का कार्य, मैनेजर का कार्य इत्यादि भी कर सकता है। इन सब कार्यों के लिए भी उसे प्रतिफल प्राप्त होते हैं, परंतु इन सभी प्रतिफलों को उद्यमी के लाभ का अंश नहीं माना जाएगा। ये सभी प्रतिफल वेतन, ब्याज, लगान इत्यादि के रूप माने जाते हैं। इन्हें उत्पादन लागत का हिस्सा माना जाता है, लाभ नहीं माना जाता। लाभ का संबंध केवल अनिश्चितता सहन करने से है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लाभ एक व्यवसाय में होने वाला प्रबंध अथवा समन्वय का पुरस्कार नहीं है, केवल उद्यमी की अनिश्चितता सहन करने का ही प्रतिफल है। यहाँ पर अनिश्चितता और जोखिम के भेद को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय संबंधी जोखिम दो प्रकार के हो सकते हैं, पूर्व अनुमानित जोखिम और दूसरे अनिश्चित जोखिम। पूर्व अनुमानित जोखिम, इस प्रकार के जोखिम चोरी, दुर्घटना, आग आदि से संबंधित हैं। इनका प्रत्येक उद्यमी अनुमान लगा सकता है, अतः इनकी हानि से बचने के लिए बीमा करा सकता है, इसलिए इन्हें बीमा योग्य जोखिम भी कहा जाता है। ये जोखिम बीमा व्यय के कारण लागत का ही अंग बढ़ जाते हैं, इनके लिए कोई भी लाभ नहीं मिलता है। अनिश्चित जोखिम, प्रोफेसर नाइट के अनुसार, एक उद्यमी को कई प्रकार के अनिश्चित जोखिम उठाने पड़ते हैं, जैसे मांग में होने वाले परिवर्तन, नए आविष्कार, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रतियोगिता आदि। इन जोखिमों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, इनका बीमा भी नहीं कराया जा सकता। इन अनिश्चित जोखिमों के कारण लाभ उत्पन्न होता है, उन्हें ही प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का भाग माना है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि प्रत्येक उद्यमी वस्तुओं का उत्पादन कुछ आशंसाओं और अपेक्षाओं के आधार पर करता है। ये अपेक्षाएं ही मुख्य रूप से अनिश्चितता को जन्म देती हैं। आशंसाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, सामान्य आशंसाएं, जनरल एक्सपेक्टेशंस। इनका संबंध सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित तत्वों में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों से है। इन तत्वों का संबंध राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, भुगतान संतुलन आदि में होने वाले परिवर्तनों से है। विशेष आशंसाएं, पार्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस। इन आशंसाओं का संबंध एक फर्म या उद्योग से संबंधित तत्वों में भविष्य में होने वाले परिवर्तन से है। इनका संबंध प्रतियोगी की कीमत नीति आदि से है। इन आशंसाओं के फलस्वरूप ही लाभ उत्पन्न होता है। कोई उद्यमी जितनी अधिक अनिश्चितता उठाने के लिए तैयार हो सकता है, उतना ही उसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।